हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑन माय चैनल। आज ना मेरा पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन पानी पूरी ना थोड़ी अनहेल्दी हो जाती है। एक तो बाहर का पानी, ऊपर से उसके बाद में तली हुई पूरियां, थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने 2-3 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को कॉल करा और उनसे पूछा कि भाई हम आयुर्वेदिक पानी पूरी बना सकते हैं क्या। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बना सकते हैं, और उन्होंने मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स बताए जिसकी हेल्प से आज मैं आयुर्वेदिक पानी पूरी बनाने वाली हूँ विद अ ट्विस्ट। तो पूरा वीडियो देखिएगा। मेरी इस रेसिपी में एक भी चीज़ फ्राइड नहीं है और एक भी चीज़ अनहेल्दी नहीं है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आयुर्वेदिक पानी पूरी बनाना। मैंने यहाँ पर तैयारी कर ली है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक व्लॉग भी बना लूँ इस चीज़ का। तो चलो देखते हैं। यह है पुदीना, पान के पत्ते, तुलसी, नींबू, बेजल लीव्स, हरा धनिया, हींग वष्टक चूर्ण, लवंग भास्कर चूर्ण, काली मिर्च, जीरा। और मसाले के लिए ना मैं मूली, गाजर, बीट रूट और पनीर का यूज़ करके एक स्टफिंग प्रिपेयर करूँगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। करते हैं आयुर्वेदिक पानी पूरी विद अ ट्विस्ट बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले ना मैं एक मिक्सर जार लूंगी और उसके अंदर मैंने पुदीना लिया है, मुट्ठी भर पुदीना लिया है मैंने, इसको डाल रही हूँ मैं। जो हमारी धनिया होती है ना, धनिया पत्ती के जो डंठल होते हैं वो इसमें बहुत अच्छी लगती है, तो वो डाल रही हूँ मैं। और धनिया पत्ती डाल रही हूँ मैं, एकदम फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स होंगे, सब्जियां होंगी नहीं तो और अच्छा लगेगा। इसके अंदर मैं तुलसी डाल रही हूँ। मैंने इन सब चीजों को ना पहले से धो के रखा हुआ है। और अब बारी आती है सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट जो है मेरा, बेजिल लीव्स। मैं इनको इसमें डालूंगी। लास्ट में मैं डालूंगी पान के पत्ते, थोड़े टुकड़े करके डाल देती हूँ मैं। मैंने 2 पत्ते लिए हैं पान के। इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करती हूँ। और अब इसको हम कर लेंगे मिक्स। हमारी सारी लीव्स जो है वो बहुत अच्छे से पिस चुकी है। इसको ना अब हम ट्रांसफर कर लेंगे एक बोल के अंदर। अब इसके अंदर मैं लेमन जूस ऐड करूंगी, फ्रेश लेमन स्क्वीजर। नींबू का रस डालने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे हींग वाष्टक चूर्ण। ये ना गैस से हमें बहुत राहत देता है। मैं इन सभी चीज़ों की इम्पोर्टेंस जो है वो एंड में बताऊंगी, तो अगर वो सुनना है तो एंड तक बने रहिएगा। अभी इसके अंदर मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ ये, अगर मुझे लगेगा तो मैं इसमें और ऐड करूँगी। और जो ये है अपना लवण भास्कर चूर्ण, ये भूख बढ़ाता है हमारी, और इसका टेस्ट ना बहुत चटपटा सा है, तो नमक डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसके अंदर अलग अलग टाइप के नमक डले हुए हैं। तो इसको भी मैं अभी 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। सुगंध तो मुझे बहुत अच्छी आ रही है। इसमें मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ जीरा, एक छोटा चम्मच। काली मिर्च 1/4 टीस्पून, थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं काली मिर्च, क्योंकि मुझे
काली मिर्च का टेस्ट उतना ज़्यादा नहीं पसंद है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इन्हें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं, इसमें क्या कम है क्या ज़्यादा है, और उसके हिसाब से इक्वेट करेंगे। हल्का सा नमक और होना चाहिए, तो इसके लिए मैं इसके अंदर और ऐड करूंगी लवण भास्कर चूर्ण, जो हमारी खाना खाने की क्षमता बढ़ाता है, और ये ना बहुत चटपटा टेस्ट का है, इसलिए मैं इसमें ये और डाल रही हूँ, एक चम्मच और डाल रही हूँ इसके अंदर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम। मीठापन ऐड करने के लिए मैं इसके अंदर डालूंगी गुड़। गुड़ को हम इंग्लिश में कहते हैं जैगरी, और मैं इसको ग्रेट करके डालूंगी। पानी पूरी के पानी में थोड़ी मिर्ची ऐड करने के लिए हम डालेंगे हरी मिर्च, तो इसको बस मैं ऐसे स्लाइड कर दूंगी। चलिए एक बार लास्ट टाइम इसको टेस्ट करते हैं हम। परफेक्ट। अब बारी आती है हमारी स्टफिंग की, तो भाई हम जब नॉर्मल पानी पूरी खाते हैं तो उसके अंदर रहती है आलू की स्टफिंग, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बनाऊंगी आलू की स्टफिंग, मैं बनाऊंगी मूली गाजर बीटरूट और पनीर की स्टफिंग। तो चलिए इन सब को सबसे पहले हम कद्दूकस कर लेते हैं। सामने मूली गाजर बीटरूट और पनीर को कद्दूकस करा है। दिस बीटरूट हैज सच अ ब्यूटीफुल कलर ना, मुझे बहुत पसंद है ये कलर। This is done. हमारी फिलिंग भी रेडी हो चुकी है। अब बारी आती है प्लेटिंग की, तो जल्दी से अपन लोग प्लेटिंग करते हैं। सबसे पहले ये जो मैं मेरे पास में कटोरियाँ हैं इनको मैं रखती हूँ। जो हमने स्टफिंग बनाई है उसको मैं इसके अंदर भर दूँगी। इसके ऊपर मैं डालूंगी एक बेक्ड नमकीन जैसा मैं चिप्स है, गौर कर से क्रश करूंगी। जो हमारे टार्ट्स है ना वो भी बेक्ड है,
तो इसके अंदर एक भी चीज़ फ्राइड यूज़ नहीं की गई है और ये बहुत ही हेल्दी है। ये जो पानी हमने बनाया है ना, ये हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, और ये खुद में एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है। कैसा लगा आपको? तो चलिए भाभी से पूछते हैं, भाभी को ये कैसा लग रहा है। भाभी दिखने में कैसा लग रहा है सबसे पहले? तो दिखने में तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने एक रोज प्रेजेंट किया है। तो आई कांट वेट कि मैं चाहती हूँ इसको जल्द से जल्द टेस्ट करूँ। बिल्कुल, लेट्स स्टार्ट। Seems to be very yummy. ये दे तू ना। इसमें पानी डाल दो। आपको भी खाना है? It's super yummy, पूर्वा। इसमें जो बेसिल का फ्लेवर आ रहा है पानी में, it's amazing. और पान और ये बीटरूट और पनीर का जो मिक्सचर है, तो ऐसा लग रहा है कि हम पानी खा रहे हैं। तो ये एक मेन कोर्स और मुखवास दोनों का काम कर रहा है। लव्ड इट, थैंक यू। ग्रेट, चलो भाभी को तो ये बहुत अच्छा लगा, पर भाभी को शायद अभी तक पता नहीं है ये एग्जैक्टली है क्या। ये है आयुर्वेदिक पानी पूरी विद अ ट्विस्ट। ओके। और जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं पानी के अंदर, वो सारे वो है जो आयुर्वेदिकली बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए, बी एट पान के पत्ते, बेजल लीव्स, और जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले सभी बहुत अच्छे होते हैं। चलिए ऋषभ से पूछते हैं, उसको कैसा लग रहा है ये? अच्छा, ये दिख तो बहुत अच्छा रहा है। देखते हैं कि टेस्ट कैसा करता है। इसका पानी तो बहुत ही टेस्टी है और थोड़ा इसमें स्वीट टेस्ट भी आ रहा है। That is because of carrot. टेस्ट है इसका। अच्छा, इसमें कुछ भी चीज़ में ऑयल, घी, बटर यूज़ नहीं है, ये फ्राइड नहीं है इसमें एक भी चीज़, एंड बहुत हेल्दी चीज़ बनाई है मैंने ये। हेल्दी तो है और लग भी रही है। कभी एक्सपेक्ट किया था हेल्दी चीज़ सुंदर दिख सकती है? अमेजिंग है। पनीर का बहुत सही टेस्ट आया, बहुत अच्छा। चलो भाई, चलो भाई, यहाँ से तो पास है हम। भाई घर में तो सबको ये इतना पसंद आया है कि एक के बाद बनाना ही पड़ रहा है, और मेरे लिए बहुत कम बचे हैं, तो मैं भी खा के देखती हूँ ये आखिर में बना कैसा है। बहुत ही बैलेंस सा टेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। एक्चुअली जो पानी है वो मैंने हल्का सा स्पाइसी रखा था, और इसके अंदर गाजर है जो थोड़ा सा मीठा रहता है, तो बहुत बैलेंस टेस्ट आ रहा है और बहुत अच्छा है यार। मतलब मुझे हमेशा लगता था कि हेल्दी खाना हमेशा बहुत बोरिंग होता होगा, बहुत ब्लैंड सा होता होगा, बट ये जो दो चूरन मैंने इसके अंदर डाले है, मैजिक है सच में। ये इतना टेस्टी बना देंगे खाने को, मुझे नहीं लगा था कि हेल्दी खाना भी इतना टेस्टी हो सकता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि अगला वीडियो किस चीज़ का बनाऊं, और अपने घर पे भी आयुर्वेदिक पानी पूरी विद ट्विस्ट ट्राई करिएगा।